कमी के रूप में, मतलब क्या है कि ये कहीं से एक एसी वेव लेगा और उसको रेक्टिफाई होगा। ठीक है, कैसे करेगा? हम सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर लेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर सभी ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, दो कुंडलियां होती है। ठीक है, इस तरीके का होती है, दो कुंडलियां ऐसे होती है, ये इसको ऐसे करके हम जोड़ देते हैं। ठीक, इसमें इस जगह पे हम एक डायोड लगा रखते हैं, ये सिंबल किसका है? उसका डायोड का सिंबल होता है। ठीक है, और यहाँ से आकर के यहाँ पे एक हम आउटपुट लेने के लिए लोड लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लोड, आर एल। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। ठीक, ये हमारा हो गया आउटपुट, ये क्या हो गया आपका डायोड, डी फॉर डायोड। ठीक, इसके ये दो सिरे, एक ये सिरा एस वन है और ये दूसरा सिरा एस टू है। इधर हम जो है एसी सोर्स अप्लाई करते हैं, ये एसी का सिंबल पिछली बार बताया हमने, इसको क्या बोलते हैं? इतने पार्ट को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक, अब कैसे काम करता है जरा ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब आपने एसी विभव दिया, ठीक है, तो ये मैं एसी विभव की वेव बनाता हूँ। ठीक, ये रहा एसी विभव का वेव, एसी भी हो एसी, ऐसे तो चलेगी, एसी राशि ऐसी होती है कनेक्टिंग करंट। ठीक है, ये क्या है? टाइम एक्सिस है। इधर क्या है? मैग्नीट्यूड है, विभव का मान इधर दिखाया जाएगा। ठीक है, जितना मान जाएगा। ठीक, तो इसी सिद्धांत से अब हम ये लाइनें बना लेते हैं, ग्राफ ऐसे बनाए तो ऐसे ऐसे। अब देखिए, जिस क्षण पे ये मान आएगा, वेव का ऊपर वाला मान आएगा, इतना हिस्सा। ठीक, मान लो ये आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, अगर ये है तो 12 वोल्ट, कितनी हो 12 वोल्ट मान लीजिए है, एग्जाम्पल के लिए इसका मान कितना 12 वोल्ट। तो जैसे यहाँ शुरू होगा, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि 220 वोल्ट या 110 वोल्ट एसी सप्लाई को कन्वर्ट कर देगा। किसमें? डाउन पावर। 220 वोल्ट आता है ऐसे तो 11,000 की लाइन आती है, 11,000 वोल्ट फिर गाँव के पहले ट्रांसफार्मर कर दिया जाता है जिससे उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। 220 वोल्ट के बाद में घरों में लगभग चेक करा देते हैं, 110 आता है, वोल्ट आता है, वोल्ट। ठीक है, अब ये 110 होता है हमारे मोबाइल वगैरह चलाने के लिए तो बहुत कम ही चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, तो ये 110 को हम डाउन करते हैं। ठीक है, और भी कम कर देते हैं, कितना लेते हैं मान लीजिए 12 वोल्ट। ठीक है, अब 12 वोल्ट का जब आया तो 12 वोल्ट प्लस पे भी जाएगा, माइनस पे भी जाएगा, फिर प्लस यहाँ से 12 वोल्ट इसी के बीच बटना है। ठीक है, अगर हम कहें कि ये जीरो है, ये जीरो वोल्ट है, जस्ट इस जगह पे जीरो वोल्ट है, ऊपर बढ़ते जाएंगे यहाँ 6 वोल्ट होगा और जाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा 12 वोल्ट तक हो जाएगा। नीचे सिरा 0 वोल्ट पे रहेगा, ऊपर वाला सिरा कितना हो जाएगा? प्लस 12 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर ध्यान दिया जाए कि प्लस 12 वोल्ट किस पी को मिले, डायोड में दो सिरे होते हैं, पी और एक पी वाले को पहुंचे पी 12 वोल्ट 12 वोल्ट और जीरो इधर से घूमता हुआ, इसको क्या मिला? जीरो, मतलब ये उच्च विभव पे है और ये निम्न विभव पे। जब ये उच्च विभव पे होता है और ये निम्न विभव पे होता है तो डिवाइस क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो जिस टाइम इंटरवल पे ये वाली पल्स जाएगी उतनी देर के लिए जो हमारा डायोड था वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। डायोड क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा और करेंट को जाने देगा। ठीक है, उसके बाद इस समय ये वाली वेव आ जाएगी और नीचे वाला मान आ जाएगा तो ये सिरा फिर उल्टा हो जाएगा, ये तो जीरो पे रहेगा, अब जीरो से फिर माइनस 12 ये कहाँ पहुंच जाएगा? माइनस 12 उल्टा बटेगा है ना। तो अब जब ये जीरो था, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 6 ऐसे करते करते ऊपर गए तो माइनस 12, तो इसको मिला माइनस 12 और इसको मिला जीरो। तो देखो माइनस 12 जब छोटा होता है जीरो बड़ा होता है, तो पी को तुमने कम विभव दिया और एन को क्या किया? ज्यादा विभव दे दिया, तो ये तो उल्टा कर दिया भाई, पी को चाहिए था ज्यादा, एन को चाहिए था कम, लेकिन हो क्या गया? उल्टा उल्टा होने के लिए ऑफ हो जाएगी, क्या हो जाएगा? ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। इस टाइम पे जब ये ऑफ हो जाएगा तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, यहाँ कोई भी लाइट नहीं चलेगी। जगह मान लो एलईडी तुमने
में कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्यों? डायोड ऑफ हो गया, किस मोड में चला गया? ऑफ मोड में चला। सेम जैसे के पास आएगी तो डायोड फिर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायोड ऑन हो जाएगा, क्यों ऑन हो जाएगा? इसको प्लस 12 मिल जाएगा, ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, इधर से इसको जीरो मिल जाएगा, ये लो हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, सारा पूरा ही और ये एलईडी चलना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटपुट आएगा, मतलब ऑन हो जाएगा। फिर अगली पास आएगी माइनस 1, यहाँ डायोड क्या रहेगा? इतनी देर तक के ऑफ स्टेबल रहेगा, इतनी देर कोई भी आउटपुट नहीं देगा, इसके बाद फिर आउटपुट आएगा। बात समझ आ गई? तो ये आउटपुट वेव कहलाती है, इसी को क्या कहते हैं? ये आपकी आउटपुट वेव है। ठीक है, आउटपुट वेव। ठीक है, ये हो गया आपका पीएन संधि हर तरह बूस्ट करेंगे। ऐसे ये एक वेव को फुल वेव को हाफ वेव में रेक्टिफाई करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है।